हेलो एवरीबॉडी, दिस इज़ अरविंद। ये मेरे पास में एक पीस है जो कि रेडमी नोट 7 प्रो मॉडल है। और ये जो फ़ोन है इसमें प्रॉब्लम है, रिकवरी पे जाता है जब इसको ऑन करते हैं। तो इसको बैटरी से ऑन करो या पावर सप्लाई से ऑन करो, ये रिकवरी मोड पे जाता है ऑटोमेटिक। जैसा कि मैं अभी आपको चेक कराता हूँ, मैंने अभी बैटरी लगाई है, इसको बैटरी से चेक करते हैं, देन फिर पावर सप्लाई से भी इसको हम चेक करने वाले हैं। देखिए, जैसे ये ऑन होता है EMI लोगो पे आने के बाद ये रिकवरी मोड पे जाता है, और फिर हम इसको रिबोट से इसको वॉल्यूम अप डाउन से इसको जो ऑपरेट करते हैं और ऑन करते हैं, तो ये जो है रेडमी लिखा हुआ आता है। और उसके बाद में जो है कुछ समय बाद में ये फिर सेम प्रॉब्लम पे ये आ जाता है, यानी कि रिकवरी मोड पर ये आ जाता है। और इसको देखिए, अभी मैंने चालू किया है, इस पर मॉडल नंबर लिखा हुआ है रेडमी नोट 7 प्रो। अभी देखते हैं कि ये पूरा ऑन हो पाता है या रिकवरी पर चला जाता है। जैसा कि मैंने इसको चेक करके रखा हुआ है, ये कुछ समय बाद फिर से रिकवरी पर चला जाएगा। तो इस वीडियो में हम इसी को रिपेयर करने वाले हैं और देखते हैं कि ये फ़ोन हमारा जो है रिपेयर हो पाता है कि नहीं हो पाता है। गाइस, इसमें ज़्यादातर जो प्रॉब्लम आता है, सभी सेट में जो प्रॉब्लम आता है रिकवरी मोड का, वो हमारी पावर बटन पर आने वाली सप्लाई में कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम होता है। इस वजह से जो है ये इस टाइप की प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो पावर बटन की रीडिंग्स हम चेक करने वाले हैं, हॉट टेस्टिंग और कूल टेस्टिंग करने वाले हैं, पावर बटन पर कितना वोल्टेज आना चाहिए और कितना नहीं आना चाहिए, वो सारी चीज़ हम देखेंगे। पूरा ट्यूटोरियल इसमें समझेंगे क्या प्रोसीजर रहने वाला है। ठीक है, अभी ये जस्ट रेडमी नोट 7 प्रो पर ही ये अभी अटका हुआ है, और देखते हैं कि ये आगे बढ़ता है या नहीं बढ़ता है। और गाइस, वीडियो को पूरा देखिए, और वीडियो पसंद आया तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अभी जस्ट ये स्टक है, अभी मॉडल नंबर पर रुका हुआ है। और ये देखिए, फिर से ये जो है रिबूट पर चला गया है, यानी कि फ़ोन पूरी तरह से ऑन नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो अभी हमको क्या करना है, इस फ़ोन को हम जो है, गाइस इसको मैं एक बार आपको पावर सप्लाई पर भी ऑन करके दिखा देता हूँ, क्योंकि कई बार ये बैटरी का इश्यू भी हो सकता है। तो बैटरी का प्रॉब्लम नहीं है इसमें, मैं एक बार आपको इसका जो है जो बूट केबल कनेक्ट करके और पावर सप्लाई पर भी हम इसको एक बार ऑन करके देखने वाले हैं। कई बार बैटरी का इश्यू भी हो सकता है कि बैटरी में कुछ वाटर डैमेज या लीकेज वगैरह हो सकता है, बैटरी के फ्यूज़ में प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन वो सारी चीज़ अगर नहीं है तो हमको जो है एक बार पावर सप्लाई से भी इसको ऑन करके देखना है। तो जस्ट देखिए, इसको मैंने ऑन किया है तो ये रेडमी लिखा हुआ आता है, देन फिर ये रिकवरी मोड पर चला जाता है। तो सेम प्रॉब्लम है। ठीक है, कुछ भी हो, हम बैटरी चेंज करें या ना करें, वो सेम प्रॉब्लम रहने वाला है। तो अभी हम जो है इसको देखने वाले हैं कि इसकी जो वॉल्यूम अप की सप्लाई है, वो देख सकते हो इधर एक यहाँ पर एक रजिस्टर लगा हुआ है, यहाँ से होते हुए जाती है। ठीक है, तो इस रजिस्टर की वजह से ये प्रॉब्लम होता है लगभग सभी फ़ोन्स में। तो इस रजिस्टर को हम यहाँ पे लगा हुआ है रजिस्टर, राइट। तो इस रजिस्टर को अगर हम निकाल देते हैं, ये 1 किलो ओम का रजिस्टर लगा हुआ होता है, तो इसको निकालने के बाद वॉल्यूम अप बटन की सप्लाई यहाँ से ब्रेक हो जाएगी। ठीक है, यानी कि जो इसके आगे एक्टिविटी हो रही थी डायरेक्टली, वो नहीं होगी। तो इसको हम यहाँ से इसको हमने निकाल दिया है, और अभी फ़िलहाल हमारी वॉल्यूम अप बटन जो है वर्क नहीं करेगी, तो उसका हमको जो है डायरेक्टली उसका हम शॉर्ट जम्पर कर देंगे। तो अभी जस्ट मैं फ़ोन को असेंबल करके बोर्ड को, और मैं एक बार फ़ोन को चालू करने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए, फ़ोन चालू किया है मैंने, अभी रेडमी लिखा हुआ आया है, और देखते हैं कि अब आगे बढ़ता है या नहीं बढ़ता है। रिकवरी मोड पर तो नहीं जाएगा अब, क्योंकि डेफिनेटली फ़ोन को ऑन होना है। तो देखते हैं फ़ोन हमारा, ये देखिए, पहले ये MIUI भी तक भी नहीं जा रहा था, पहले रेडमी लिखा के डायरेक्टली रिकवरी पर जा रहा था फ़ोन। और अभी देखते हैं कि फ़ोन पूरा ऑन होता है कि नहीं होता है। और ये इसका डिस्प्ले जो है वाइट हो गया है, यानी कि डिस्प्ले का ये इशू है। तो क्योंकि डिस्प्ले ब्लैंक कर ही रहा था इसका, तो डिस्प्ले हम एक बार चेंज करके देखेंगे, और देखते हैं कि नए डिस्प्ले में हमारा फ़ोन जो है क्या एक्टिविटी दिखाता है। पहले मैं इसका डिस्प्ले और जो चेंज कर लेता हूँ। गाइस, ये मैंने इसका डिस्प्ले जो है चेंज कर लिया है, क्योंकि इतना लंबा वीडियो बना नहीं सकते, तो वो मैंने चेंज कर लिया है। और अभी जस्ट हम इसको ऑन करने की कोशिश करते हैं कि ये ऑन होता है या नहीं होता है, या सेम वही प्रॉब्लम करता है जो उस डिस्प्ले में कर रहा था। अभी हम देखेंगे इसको, 100% फ़ोन को ऑन होना है,
क्योंकि वो जो प्रॉब्लम था उसमें वो डिस्प्ले का इशू था। तो इसमें देख सकते हैं MIUI जो लिखा हुआ आता है वो अभी आया है और फ़ोन जो है हमारा ऑन हो जाएगा। जो प्रॉब्लम ज़्यादातर आता है सभी फ़ोन्स में जो प्रॉब्लम आता है वो वॉल्यूम अप बटन के ऑटोमेटिकली वर्क करने से आता है। तो ये देखिए फ़ोन हमारा जो है पूरा रिकवर हो गया है, ऑन हो गया है और देख सकते हो पूरी तरह से वर्क भी कर रहा है। गाइज़ वीडियो कैसा लगा बताइएगा कमेंट करके ज़रूर, और वीडियो को पूरा देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये देखिए पूरी तरह से जो है फ़ोन हमारा वर्क कर रहा है, ठीक है। तो जो प्रॉब्लम था उसको किस तरह से हमने जो है रिपेयर किया है इस फ़ोन के, इस वीडियो के हेल्प से आप लगभग सभी फ़ोन्स को जो है रिपेयर कर सकते हो इस कंडीशन में अगर फ़ोन है तो।